Yes, 9th class. Today we are going to start with the chapter number 1 and that is number system. Okay, beta. Or number system mein we are going to know about the numbers. Okay, rational number kya hote hain? The numbers which can be written in the form P by Q and where Q is not equal to 0. Or P, Q kya hai? Integer hote hain. Integer kaise hote hain? Jo positive hote hain, negative hote hain aur 0 bhi hota hai. यानी कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जीरो वन टू थ्री इस तरीके से ये उधर बढ़ते जाते हैं इधर तो जितना बढ़ेगा उतना घटेगा और ये जितना बढ़ेगा उतना बड़ा होगा. नाउ एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर ये जीरो हो गया तो ये रैशनल नंबर ही नहीं रहेगा. ओके और व्हेन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द पी बाय क्यू ऑन द नंबर लाइन तब ये को प्राइम होने जरूरी होते हैं. और को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन. उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन वन. ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर. ओके नाउ सी व्हाट आर इक्विवेलेंट नंबर्स. इक्विवेलेंट नंबर कौन से होते हैं? देखो व्हेन द नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू एंड वी कैन हैव देयर हैव सिंगल कॉमन सिंपलेस्ट फॉर्म. अगर उनको कट करेंगे तो सभी में 3/4 आएगा. देखो ये जो मैंने बनाए हैं आपके ये सारे हैं हमारे इक्विवेलेंट नंबर्स. 3/4 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया वी आर गोइंग टू गेट 6/8. 3/4 इंटू 3/3 देन वी आर गोइंग टू गेट 9/12. देन वी आर मल्टीप्लाइंग 3/4 4/4 से मल्टीप्लाई किया देन वी आर गोइंग टू गेट 12/16 एंड सो ऑन. वी कैन राइट सो मैनी इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ दिस नंबर 3/4. ओके बेटा सो व्हेन वी आर मेकिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज नंबर्स देन वी आर गोइंग टू गेट एब्सोल्युटली 3/4. एक ही नंबर आएगा कट करेंगे तो 3/4 आएगा. वो होते हैं इक्विवेलेंट नंबर्स. ओके बेटा. यस बेटा 9th क्लास. लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1 एंड व्हाट इज आस्क्ड इन एग्जांपल नंबर 1 इज दैट आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स एंड ही इज सेइंग दैट एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर. तो देखो होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? जीरो से शुरू होते हैं. 0, 1, 2, 3 लाइक दैट. और नेचुरल नंबर ये तो सारे हो गए हमारे होल नंबर. और ये जो 1, 2, 3 से शुरू हो रहे हैं ये हैं हमारे नेचुरल नंबर्स. सो जीरो तो नहीं आया ना नेचुरल नंबर में. सो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. सो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर. ट्रू बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाय क्यू. जो रैशनल नंबर्स हैं और जो इंटीजर्स हैं जितने भी इंटीजर्स हैं मान लो पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं या जीरो है उन सबको हम लिख सकते हैं -3/1 और 4/1 या 0/1. इन सबको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसलिए स्टेटमेंट है ट्रू. ओके बेटा नाउ थर्ड पार्ट. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर. क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं होते. फॉल्स है. क्यों है? बिकॉज 3/5 इज नॉट एन इंटीजर. ये क्या बन जाएगा? एक डेसिमल वैल्यू बन जाएगा. ओके बेटा. यस 9th क्लास. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट इज द जीरो रैशनल नंबर. कैन वी राइट इट इन द फॉर्म पी बाय क्यू. क्या इसको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड पी और क्यू क्या है? पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर्स है. ओके बेटा सो यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू. देखिए कैसे. 0/1 करेंगे. 0/-1 कर सकते हैं. 0/2 कर सकते हैं. 0/-3 कर सकते हैं. सो वी कैन राइट 0 एज द रैशनल नंबर. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4. 3 और 4 के बीच के 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं. तो हम पहले कैसे करेंगे उसको बड़ा कर लेते हैं. कैसे? 10/10 से मल्टीप्लाई किया 30/10 आ गया. 4 को किया 10/10 से 40/10 आ गया. अब इन दोनों के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उनको हम लिख सकते हैं. देखिए कैसे. 31/10 32/10 33/10 34/10 35/10 इस तरीके से वी हैव रिटन 6 रैशनल नंबर्स. एंड वी कैन ऑप्ट फॉर द डिफरेंट मेथड ऑल्सो. जैसे 3 एंड 4 वी आर हैविंग 2 नंबर्स एंड वी हैव टू राइट अ रैशनल नंबर बिटवीन देम. सो 3 एंड 4 को ऐड कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए. यू आर गोइंग टू गेट 7/2. अब देखो 3 और 4 के बीच में आ गया 7/2. अब इन दोनों नंबर को ले लो 3+7/2 तो ये आ जाएगा 2. और 2 से भी डिवाइड करना है
6 प्लस 7 देन वी आर गोइंग टू गेट 13 बाय 4। ऐसे ही जब हम यहाँ पे इन दोनों को लेंगे 7 बाय 2 प्लस 4 देन 2, 7 प्लस 8, 2 से भी डिवाइड करना है तो 15 बाय 4। तो दो नंबर ये आ गए, कितने नंबर मिले हमें 3, इसके बीच में आया 13 बाय 4, फिर आया था 7 बाय 2, फिर आया हमारा 15 बाय 4 एंड फिर आया हमारा 4। ऐसे ही फिर आपको इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में निकालना है। और इस मेथड को जब तक आप 6 रैशनल नंबर्स नहीं निकाल लेते हैं, इस तरीके से ही कंटिन्यू करते जाना है। ओके बेटा, सो दिस मेथड इज वेरी इजी। इसको आप ले लीजिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए और उसके बाद उनके बीच के नंबर्स, उसके बीच के फ्रैक्शंस को आप लिख सकते हैं एंड यू कैन गेट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ओके बेटा, यस बेटा, 9th क्लास। देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप क्वेश्चन नंबर 3 एंड व्हाट इज आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट वी हैव टू राइट डाउन 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। तो 3 बाय 5 का इक्विवेलेंट लिखा हमने 10 बाय 10 से मल्टीप्लाई करके 30 बाय 50 आ गया, एंड 4 बाय 5 का इक्विवेलेंट 10 बाय 10 से मल्टीप्लाई करके वी हैव रिटन 40 बाय 50। एंड 30 बाय 50 एंड 40 बाय 50 के बीच के कोई भी 5 नंबर लिख दीजिए एंड यू आर गोइंग टू गेट 5 रैशनल नंबर्स। ओके बेटा, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, और होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, तो नेचुरल नंबर होल नंबर बन गए, इसलिए ये क्या है, ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स है क्योंकि -3 जो है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि माइनस की चीजें तो आती नहीं है। इंटीजर में तो माइनस की चीजें आती हैं, पर होल नंबर में माइनस के नंबर नहीं आते हैं। नाउ एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, वी हैव टू टेल वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। इट इज फॉल्स, क्यों, होल नंबर, एवरी इंटीजर क्या होल नंबर हो सकता है? 2 बाय 5 जो है वो होल नंबर नहीं है, वो क्या डेसिमल में जा रहा है, फुल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है। ओके बेटा, सो इट वॉज योर 1.1 एंड यू कैन डू इट वेरी इजिली। ओके बेटा।